हेलो साथियों, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपका परीक्षा गांव में एक बार फिर से स्वागत है। तो आपके परीक्षा गांव में नॉन टेक ऑन टेक दोनों की क्लासेस चलती हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से अपने परीक्षा गांव चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहले भी मैंने कराई है, आप उसे देख लीजिएगा। तो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ए पार्श्वनाथ, बी महावीर, सी सिद्धार्थ या डी भद्रबाहु। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी महावीर बताया है वो बिल्कुल सही हैं। अगर यहां पे आपको पूछ देता 23वें तीर्थंकर कौन थे तो आप क्या लगाते? पार्श्वनाथ लगाते। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्यादा से ज्यादा हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी हिंदी या डी द्रविड़। सभी का आंसर सही आना चाहिए, जल्दी जल्दी। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए प्राकृत दिया है वो बिल्कुल सही है, कहीं से भी नहीं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महावीर का जन्म कहां हुआ था? ए वैशाली, बी राजगीर, सी पाटलिपुत्र या डी पावापुरी। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए वैशाली दिया है वो बिल्कुल सही है। जल्दी से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी सारनाथ दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? ए महापरिनिर्वाण कहा जाता है, बी महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, सी धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है या डी उपरोक्त सभी। इस शब्दों में ही कहीं ना कहीं सारी चीजें छुपी हुई हैं। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी धर्म चक्र प्रवर्तन बताया है वो बिल्कुल सही है। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे? ए उपाली, बी आनंद, सी सर्वकामी या डी वसुमित्र। आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी आनंद दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ए सुपीरियर, बी कैस्पियन, सी बैकाल या डी विक्टोरिया। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए सुपीरियर दिया है वो कहीं से भी नहीं गलत है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची झील है? ए वान लेक, बी चिल्का, सी कैस्पियन या डी टिटिकाका। आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी टिटिकाका दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ए ग्रीनलैंड। क्लियर। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए ग्रीनलैंड दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महादेश है? ए अंटार्कटिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी उत्तरी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। जिनको ये सारी चीजें क्लियर होंगी वो इन तीनों पर जाएंगे ही नहीं, उनकी नजर इसी पर अटक जाएगी और वो तुरंत लगा के चले आएंगे। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी ऑस्ट्रेलिया दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सबकी नजरें आंसर की तरफ जानी चाहिए। ओके, ए गोभी दिया है, बी सहारा, सी कालाहारी या डी थार। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी सहारा दिया है, सहारा मरुस्थल, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा महासागर है? ए प्रशांत महासागर, किसी का भी नहीं गलत होगा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए प्रशांत महासागर दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी कनाडा या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच में क्या है? बहुत अच्छा संबंध है, अर्थात संघ उनका काफी अच्छा है। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत
निम्न में से कौन सा है, जल्दी से बताइए, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ए 1935 का भारत का शासन अधिनियम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी कनाडा का संविधान, या डी ब्रिटिश का संविधान? सभी को आना चाहिए आंसर। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए 1935 का भारत शासन अधिनियम बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को किस देश से प्राप्त किया है? पहला ही दिख रहा है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए ब्रिटेन दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव परिलक्षित होता है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, या डी दक्षिण अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है वो जीतते जीतते क्या हो जाती है, हार जाती है, उसे संशोधन करने की आवश्यकता है, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी प्रावधान कहां से लिया गया है? ए जर्मनी के वीमर संविधान से, बी भारत शासन अधिनियम 1858 से, सी अमेरिका से, या डी आयरलैंड से? आपातकालीन, जल्दी से बताइए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए जर्मनी के वीमर संविधान से बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तथ्यों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी अमेरिका, या डी आयरलैंड? आंसर सही आना चाहिए सभी का। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी आयरलैंड दिया है वो कहीं से भी नहीं गलत है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। गणतंत्र की स्थापना की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? ए इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी फ्रांस, या डी ब्रिटेन? आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी फ्रांस बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की प्रेरणा, ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए अमेरिका ही होगा वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी ऑस्ट्रेलिया दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ए सुंडा गर्त, बी प्यूटोरिको, सी मारियाना ट्रेंच, या डी टोंगा गर्त? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर में हमारा मारियाना ट्रेंच है, ये सबसे गहरा गर्त है। ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग का जलमंडल का विस्तार है? कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? ए 29%, बी 65%, सी 71%, या डी 74%? 71% या 72% होता है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी 71% दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ए रॉकी, बी एंडी, सी काराकोरम, या डी अलास्का? जल्दी से बताइए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी एंडीज दिया है वो बिल्कुल सही है। एंडीज के बाद कौन सी आती है पर्वत श्रृंखला? रॉकीज आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया, ए विक्टोरिया, बी इरी, सी मिशिगन, या डी कैस्पियन? खारे पानी की झील बतानी है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी कैस्पियन बताया है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ए बुद्ध, बी संघ, सी धम्म, या डी ये सभी? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सुना होगा आपने। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी ये सभी दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम जैन संगीति कहां आयोजित की गई थी? ए वल्लभी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, या डी पावापुरी? कुछ लोग कंफ्यूजन हो सकता है काफी दिन के बाद अगर पढ़ रहे होंगे, सी पाटलिपुत्र और डी पावापुरी में। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी पाटलिपुत्र दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, ए सम्यक
श्रद्धा, बी सम्यक ज्ञान, सी सम्यक आचरण या डी ये सभी। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी ये सभी दिया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित चार महाव्रतों में कौन सा पांचवा व्रत जोड़ा? ए अपरिग्रह, बी अस्तेय, सी ब्रह्मचर्य या डी अहिंसा। आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी ब्रह्मचर्य दिया है वो बिल्कुल सही हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी क्लास पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और इसी तरीके आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए और हम इसी तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू।